हेलो गाइस, सो आपको पता होगा कि कल है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का लास्ट डे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस IPO में अप्लाई करना सेफ होगा या नहीं होगा। हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे ESAF स्मॉल फाइनेंस में रिस्क क्या है, सेफ्टी क्या है, लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिहाज से किस में जाना सही रहेगा और अप्लाई करना सेफ होगा या नहीं होगा लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम लास्ट सब्सक्रिप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। सो गाइस, मैं अंकुर आप सभी का दोस्त आपके साथ, चलिए इस वीडियो के डिटेल स्टार्ट करते हैं। एंगिस, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने ASK ऑटोमोटिव का डिटेल रिव्यू डाल दिया है, जाके देखना। साथ में ही तीनों IPO ESAF, ASK ऑटोमोटिव और प्रोटियन टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन वीडियो भी डाल दिया है कि तीनों में से कौन सा बेस्ट वन, बेस्ट टू या बेस्ट थ्री कौन सा रहने वाला है, किसमें अप्लाई करें और किसमें कितना लॉट अप्लाई करें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके जरूर देख लेना। तो वापस आ जाते हैं और बात कर लेते हैं हम ESAF स्मॉल फाइनेंस की। IPO 3rd होगा, इस ओपन हुआ था, क्लोज होगा 7th को, यानी कल के दिन ये क्लोज हो जाने वाला है। अलॉटमेंट डेट 10th को है, 16 को इसकी लिस्टिंग डेट रहने वाली है, ये डेट चेंज भी हो सकते हैं। फेस वैल्यू स्टैंडर्ड है, 60 रुपीज का प्राइस बन रहा गया है। 463 करोड़ का IPO का साइज है, जो कि छोटे साइज की कैटेगरी में आता है। 390.70 करोड़ फ्रेश इश्यू है और बाकी बचा हुआ 72.30 करोड़ इसका OFS है। ठीक है, यहाँ पे गाइस कंपनी ने 35% कोटा रिटेल से रखा है और लिंकिंग टाइम इसका रजिस्ट्रार है। तो डिटेल्स आपको यहाँ तक पता चल गई होंगी। दो बातों का ध्यान देना है, एक तो स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 60 रुपीज प्राइस बैंड है, सस्ता देखने में लग रहा है, और यहाँ पे फ्रेश इशू भी है साइज का ज्यादा से ज्यादा, तो ये एक पॉजिटिव बात होती है किसी भी IPO के लिए। आपको पता है जैसा कि ये नाम से ही है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसके डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने आपको समझाया था कि जो मेन बैंक होते हैं ICICI, HDFC ऐसे बैंक, उनमें और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस होता है, तो आई होप आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये कंपनी बैंक के सारे काम करती हुई दिखती है, ठीक है, ये इसका बिजनेस है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का एसेट हमें काफी शानदार देने को मिल रहा है, 20,795 करोड़। रिवेन्यू 991 करोड़ का देने को मिल रहा है, एक क्वार्टर का डेटा ये, ठीक है। अगर जो 2023 तक देखें 31 मार्च का, तो 3,141 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे वो कोविड के टाइम में हमें एक डिप देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाती हुई कंपनी दिख रही है और शानदार। अगर जो 2023 तक देखें तो करीब 302 करोड़ का, उसके बाद एक क्वार्टर में सिर्फ 129 करोड़ बनाया। अगर जो ऐसे चार क्वार्टर में और बनाया तो 500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा कम भी हो सकता है। इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 1839 करोड़ का है, रिजर्व सरप्लस 1389 करोड़ का है, टोटल बोरिंग 2793 करोड़ की है। तो यहाँ पे सारा कुछ ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है कंपनी, बिजनेस बढ़िया है, बोरोइंग का एक इशू रहने वाला है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि बोरोइंग बैंक वाले या फिर लोन वाली जो कंपनियां होती है ना, उनके ऊपर रहता ही रहता है मेजर टाइम में। अगर जो आप बड़े बैंक से कंपेरिजन करोगे तो उनका भी रहता है, छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेरिजन करोगे उनका भी रहता है। अगर जो इसी के पीयर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करो, जिसका पी इस IPO के सिमिलर है लगभग, तो उसका बोरोइंग करीब 28,179 करोड़ का है, ठीक है। तो इस कंपनियों में बोरोइंग रहता रहता है। एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि 2743 करोड़ इनके ऊपर बोरोइंग है, वो अलग बात है, जिससे मैंने कंपैरिजन किया उसका मार्केट कैप करीब 11,000 करोड़ है और इसका मार्केट कैप करीब 3,000 करोड़ का है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मार्केट कैप में है, लेकिन बोरोइंग हर एक बैंक वाली कंपनियों पे रहती रहती है। इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि IPO जब आता है तो हम इसको मान लेते हैं कि ठीक है, इनके अंदर बोरोइंग रहेगी रहेगी, NPEs और सारा कुछ देख लेते हैं, बट हम वेट करते हैं सेफ्टी पर्पज से कि क्या QIBs इंटरेस्टेड हैं। इसका जो एंकर लिस्ट आया था वो तो ठीक आया था, लेकिन QIBs अगर जो ऐसे IPOs में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो IPO पिटता हुआ दिख जाता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी। पास्ट में ऐसा कई IPOs के साथ हुआ है, क्योंकि QIBs इनसे एक टेबल बैठ के बात कर रहे होते हैं। मैं कई सारे IPOs में बोलता हूँ कि भाई QIBs का वेट करो तभी जाओ, कई सारे IPOs को बोलता हूँ कि ठीक है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, QIBs आ ही जाएंगे, ठीक है। तो वो भरोसे वाली बात होती है कि QIBs इसमें इंटरेस्टेड देखेंगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग के इशू की वजह से QIBs का देखना जरूरी हो जाता है। वो एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं इनसे, फिर पैसा लगाते हैं कि भाई बोरोइंग इतनी ज्यादा है या कम है, तो क्या करने वाले हो फ्यूचर में, से कैसे कम करोगे, कैसे कैसे यूज किया है, इस पे इंटरेस्ट कितनों पे देना पड़ रहा है, क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी उनके पास होती है और क्लियर होते हैं कि क्या करना है। तो मेरे हिसाब से इस IPO में बोरोइंग का जो इशू है वो QIB से सॉल्व कर पाएंगे, अगर जो QIB में पैसा डालते हैं। साइज छोटा है, 50% कोटा उनके पास है, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होने के आसार है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा ही। यहाँ पे गाइस आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम आगे क्लियर कर लेंगे और QIB वाला जो सिनेरियो वो भी अभी आगे आपको बता दूंगा कि कहाँ पे सेफ्टी पॉइंट मिल जाएगा। तो फाइनेंशियली बिजनेस वाइज सब कुछ ठीक है, बस एक बोरोइंग का इशू है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एंड आपको भी अगर जो अपने फाइनेंशियल ठीक करने गाइस, तो टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ जाओ। आपको यहाँ पे देख लो, आज के दिन जबकि मैं लाइव आया था उसके बावजूद भी करीब 55 पॉइंट गेन
एक कॉल में देखने को मिला, बहुत ही रिस्की मार्केट, रेंज बाउंड वाली मार्केट थी, फिर भी वो भी प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, बिना स्टॉप लॉस वाली कॉल अगर जो देना शुरू करे तो रोज 5-10 कॉल हिट करवा दे, क्योंकि वो तुक्केबाजी होती है। 10 लोग कॉल लेंगे, एक पैसा बनाएगा, 9 लोग का लॉस होगा और नए लोग तो पक्का उसमें जाएंगे, तो इस वजह से ठीक है। उसके साथ ही एक कॉल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट देखने को मिला, या फिर कुछ लोगों ने 20-25 पॉइंट तक का गेन भी बुक किया, क्योंकि लास्ट में एक्टिव हुआ और फिर मार्केट क्लोज होने का टाइम हो गया था। उसके साथ ही इंट्राडे कॉल कई सारी देख लो, स्विंग कॉल कई सारी देख लो आप, ठीक है, इंट्राडे उसके पहले का देख लो, एक स्टॉप लॉस भी लास्ट फ्राइडे को हिट हुआ था 24 पॉइंट गेन देने के बाद, बट ऐसा 3 हफ्ते में सिर्फ एक बार हुआ है, वरना आराम से 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट कॉल तो दे ही जाती है। आप देख लो 95 पॉइंट अगेन, यहाँ पे आप देख लो 200 पॉइंट अगेन, यहाँ पे देख लो 125 पॉइंट अगेन, इंट्राडे कॉल हर जगह पे दी हुई है, यहाँ पे देख लो 500 पॉइंट अगेन, यहाँ पे देख लो 34 पॉइंट अगेन, तो 500 पॉइंट से गेन तक की कॉल देखने को मिल जाती है। और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे कॉल, स्विंग कॉल, पोजिशनल कॉल, लर्निंग के लिए ऑडियो सपोर्ट, चार्ट्स और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो, बहुत सारे बेनिफिट आपका वेट कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं ESAF के बारे में फिर से एक बार। ESAF का हमने फाइनेंशियल देख लिया था, तो यहाँ पे गाइस पी रेशियो 8.94 है, पोस्ट पी को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। मार्केट कैप 3087 करोड़ का है, मैंने आपको अभी पीछे बताया भी था। EPS जो है 6.73 का है, ROW 17.69 का है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो आप कंपैरिजन करने जाओगे तो आपको जो पी रेशियो है इसका, उसके एवरेज में बाकी सारी कंपनियां महंगी देखने को मिलेंगी, चाहे हम सूर्योदय की बात करें, क्रेडिट एसेस की बात करें, किसी की भी बात कर ले, सब महंगी देखने को मिलेगी। इवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लगभग सिमिलर सी है, ठीक है, फिर भी महंगी है। तो यहाँ पे गाइस प्राइस बैंड जो है वो जेन्युइन सा लग रहा है, प्राइस बैंड में स्पेस छोड़ा गया है पी रेशियो कंपैरिजन में, या फिर जनरली ऐसे देखें नेकेड आई से, तो यहाँ पे प्राइस बैंड जो है वो जेन्युइन रखा गया है, लिस्टिंग के लिए स्पेस छोड़ा गया है। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो 6 नवंबर तक 5 बजे का डेटा है, QIBs ने 1.04 टाइम कर दिया डे 2 पे, साइज छोटा है इस बात का ध्यान देना। कलेक्टिवली NIS की बात करें 20.18 टाइम कर दिया, रिटेलर्स ने 7.91 टाइम, और एम्प्लॉय ने भी भरोसा दिखाया जबकि डे 3 पड़ा हुआ। तो यहाँ पे साइज के हिसाब से अगर जो QIBs 50-60 गुना एटलीस्ट आने चाहिए तब तो ठीक है, लिस्टिंग के लिए छोटी मोटी जा सकते हैं, वो भी छोटी मोटी लिस्टिंग के लिए, और थोड़ा बहुत रिस्क वही मार्केट की तरफ से रह जाने वाला, मान लो मार्केट खराब हो गया तो वो चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने का आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए और छोटी लिस्टिंग के लिए जाना है। अगर जो सब्सक्रिप्शन और अच्छा होता है तो हमें यहाँ पे 30 देने को मिल जाएगी, और QIBs का वेट करने के बाद ही जाना ठीक रहने वाला है। साइज के हिसाब से 8.32 टाइम्स दूसरे दिन पे कुछ खास नहीं है, जबकि बहुत सारे IPOs का रश नहीं है, उसके बावजूद भी इन चीजों का भी ध्यान दिया जाता है। करंट में ग्रे मार्केट में उनकी बात रहेगी तो हमें 16-17 रुपए निकलता हुआ दिख रहा है, इसके हिसाब से करीब 28-29% अगेन होता है अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है। तो 28-29% अगेन ठीक है, मतलब डिसेंट है GMP के हिसाब से भी। तो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया है, आप रिस्क ले सकते हो नहीं ले सकते हो आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आप क्या करने वाले हो बताना जरूर, आप अप्लाई कर चुके हो तो भी बताना, और नहीं किया है प्लान है तो भी बताना जरूर। आई होप मैं आपको सब कुछ समझा पाया हूँ, आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और अगर जो आपको समझ में आया है, हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते हुए थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे हेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।